जिला बिलासपुर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने प्रदेश सरकार और उद्योग विभाग से मांग करते हुए कहा कि जिन छोटे उद्यमियों ने उद्योग विभाग के माध्यम से बैंक से सब्सिडी पर ऋण लिया है उनकी सब्सिडी जारी करने के लिए बैंकों को तुरंत प्रभाव से आदेश जारी किए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी ने छोटे उद्यमियों व आम जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि छोटे उद्यमियों ने उद्योग विभाग के माध्यम से लाखों रुपए का ऋण ले रखा है। पिछले 1.5 साल से उद्यमियों का कोरोना की वजह से व्यवसाय चौपट हो गया है। आज के समय में ऐसी नौबत आ गई है कि मासिक किस्त देने में भी उन्हें परेशानी हो रही है, जिससे उनके मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। साथ ही बैंक की किस्तों की अदायगी ना किए जाने की वजह से उन्हें आए दिन बैंक के नोटिस भी जारी हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भी कोई उद्यमी उद्योग विभाग के माध्यम से ऋण लेता है तो जो सब्सिडी का पैसा होता है उसे उद्योग विभाग ऋण स्वीकृत होने के बाद ही बैंक को जारी कर देता है और सब्सिडी का पैसा 3 साल तक बैंक के पास ही रहता है। आशीष ठाकुर ने कहा कि इस आपदा के समय में उद्यमियों को राहत देने के लिए उद्योग विभाग को चाहिए कि जो पैसा बैंकों के पास बतौर सब्सिडी पड़ा है उसे जारी करने के लिए उद्योग विभाग तुरंत प्रभाव से आदेश जारी करे ताकि उद्यमियों को थोड़ा बहुत राहत मिल सके। आशीष ठाकुर ने कहा कि सेवा कर्म को जारी रखते हुए उन्होंने भामटा पंचायत, नौग पंचायत, बल बलवाना पंचायत, चांदपुर पंचायत, बलेना ब्राह्मणा पंचायत का दौरा किया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों व युवाओं की सहायता से पंचायतों को सैनिटाइज करने का काम भी किया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी परिवार सहित सकुशल होंगे। मैं आज आपका ध्यान एक ऐसे मुद्दे के ऊपर आकर्षित करने जा रहा हूँ जो कि एक गंभीर मुद्दा है। जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उन्होंने उद्योग विभाग से लाखों रुपए का ऋण ले रखा है। उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों से ऋण सब्सिडी के ऊपर मिलता है। ऐसे में जैसे कि सर्वेदित है कि पिछले 1.5 साल से जो उद्योगों का काम है बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि उद्यमियों के पास जो हमारी बैंकों की मासिक किस्त देने के लिए भी पैसे नहीं हैं, उस वजह से उन्हें आए दिन बैंकों की तरफ से नोटिस जारी हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जब भी किसी भी उद्यमी का उद्योग विभाग के द्वारा ऋण स्वीकृत होता है तो उसी समय जो भी सब्सिडी का पैसा होता है वो उद्योग विभाग के माध्यम से बैंकों को जारी कर दिया जाता है और बैंक उस पैसे को 3 साल तक अपने पास ही रखता है। आज ज़रूरत ऐसी आन पड़ी है कि उद्योग विभाग अगर बैंकों को आदेश जारी करे कि जो सब्सिडी का पैसा है अगर उसको तुरंत प्रभाव से रिलीज़ किया जाए तो जो हमारे छोटे उद्यमी हैं उनको इस कोरोना वैश्विक महामारी में राहत मिल जाएगी।